हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टेक राजपूत पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ये घर जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमने एक ठेकेदार को दिया है। वो आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे इसका सेंटरिंग किया गया है। चलिए ले चलते हैं आपको। ये बरवाड़ी स्थित घर है, बरवाड़ी लातेहार ज़िला में। तो आपको अंदर ले कर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका सेंटरिंग का काम हुआ है। तो यहाँ से इसका स्टेयर्स है, तो ये स्टेयर्स पे हम चल रहे हैं अभी। तो ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है हमारा स्टेयर्स। और ये है हमारे ठेकेदार, नाम बताइए अपना। हुसैन अंसारी। तो ये हुसैन अंसारी हमारे ठेकेदार हैं, इन्होंने ये सारा काम किया है। तो इसके का इस कार्य को हम डिटेल से समझते हैं कि कैसे कैसे ये कार्य किया गया है। तो चलिए सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप अपने कार्य के विषय में। कार्य के विषय में ये कहना है कि स्पेशली एक यहाँ पे वर्क किए हैं हम लोग स्टेयर में, जिसमें ट्रेड और राइजर जो है मिसिंग होता है। इसके लिए हम इसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करके इसको कास्ट करने से पहले ही पूरा सेट कर देते हैं। और ये सेट करने से ये होता है कि राइजर और ट्रेड का जो डिस्टेंस है या हाइट है वो ख़राब नहीं होता है, ठीक ढंग से होता है। सारा कैलकुलेशन इन्होंने पहले से ही कर लिया, साहू सूता में इन्होंने पहले से ही कर लिया सब कुछ, ताकि जिस दिन ढालना हो उस दिन ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। दूसरा ये बात के विषय में हम बताएंगे, ये जो बात बनाए हैं उसको हम लोग प्लम्बिंग का काम करने के लिए संक बनाते हैं। तो ये संक में जो ये साइड लगा हुआ है कास्टिंग करने के लिए, ये पहले से ही लगा होना चाहिए ताकि ढलाई करते समय ठीक ढंग से ढलाई हो सके। ठीक है, तो ये पहले ही हमने संक बना दिया ताकि जो पाइपलाइन लगेगा ऊपर वाला वो इजीली फिट हो जाएगा और वो हमारे बेसमेंट से ऊंचा उसका हाइट नहीं होगा। और दूसरा, अच्छे ढंग से काम करने के लिए, ठीक से क्वालिटी देने के लिए, जो भी स्लैब में काम किया हुआ है उसमें जो छोटा साइज लगता है प्लाईवुड का या बड़ा साइज लगता है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ प्लाईवुड ही लगाया हुआ है, कहीं पर भी इसमें छोटा पटरी वगैरह नहीं भरा हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल प्लाई का काम है, का ही काम है। अच्छा अच्छा, फिनिशिंग जितना हो सके अच्छे से दिया गया है ताकि प्लास्टर या पुट्टी करते समय प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये सब 16 का सरिया लगाए हैं यहाँ पे। हाँ, ये बीम में कैंटिलीवर बार के वजह से टॉप में 16 का रॉड है और नीचे जो है बॉटम में 12 का रॉड है। अच्छा अच्छा, यहाँ नीचे 12 का रॉड है दो और ऊपर 4 जो है 16 का रॉड है। हाँ ठीक है, और कुछ बताइए। और बाकी सब जैसे नेचुरल हम सब जगह काम होता है वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे बेसिक एकदम बेस दिया गया है कि सब काम जो है देखने में भी अच्छा हो, लाइन लेवल सूता सब चीज़ सही हो। ये बेंट वगैरह सब मैंने बीम के पास दिया गया है। हाँ अच्छा ठीक है। और ये मास्टरिंग वगैरह पहले ही लगा दी है आप, ताकि जो कॉलम जो है वो सीधा रहेगा आपका। हाँ, कॉलम बार इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, अपने सेंटर से ना हिले, इसके लिए नीचे ये रिंग दिया जाता है बॉटम में फिक्स करने के लिए। ये अच्छा। रिंग दिया हुआ है, कॉलम का बार इधर उधर ना हिले। और ये ऊपर में भी एक बेस दिया जाता है ताकि ये बार अपने जगह पर रहे। ठीक है, और सब जगह पर कवर ब्लॉक आपने लगा दिया पहले से ही। हाँ बहुत बढ़िया। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बारीकी में ये काम किया गया है। और आउटर का देखिए, आउटर जो हम लोग यहाँ पे आउटसाइड रहता है, ये आउटसाइड हम लोग पहले से ही फिट करके रखे हुए हैं। ये बांधते जिस समय कास्ट होता है उसी समय लोग फिट करते हैं इसको, और तार से बांधते हैं, जिसके वजह से काम अच्छा नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, टेढ़ा हो जाता है, लेवल चूक जाता है, ये सब हम लोग पहले से कंप्लीट करके रखे। ठीक है, ये आउटर वाला मतलब ये बालकनी का जो आउटर है। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो सब जगह ऐसा ही काम होता है कि लोग जिस दिन कास्ट होता है उसी दिन बांधते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग सब पहले से ही कंप्लीट करके रखे। ठीक है, तो ये पहले से ही, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं सब कुछ पहले से रेडी है। इधर मटेरियल सब गिरा हुआ है, तो एक दो दिन बाद इसका ढलाई होने वाला है, तो उससे पहले जो भी तैयारी की जा सकती है वो इन्होंने सब कुछ अपना तैयारी जो है कर लिया है। स्लैब पूरा क्लीन है, कहीं पे भी डस्ट कचरा कुछ भी नहीं है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, इन्होंने पूरा उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इनका थोड़ा आप पता बता देते हैं ये अपना कि कहाँ पे ये ठेकेदारी का काम कर रहे हैं अभी। मैं अभी फ़िलहाल बरवाड़ी का निवासी हूँ और बरवाड़ी में ही अभी काम कर रहा हूँ। बरवाड़ी लातेहार ज़िला में, बरवाड़ी लातेहार ज़िला है,
डिस्ट्रिक्ट झारखंड है। पहले मुंबई में काम करता था, 20 साल का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो ये काम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं, ये उसका पर स्क्वायर फीट जो है पैसे चार्ज करते हैं। तो आपको अगर कोई इंक्वायरी होगा, आपको कोई काम कराना हो या कोई भी आपको ठेकेदारी देना हो, तो आप इनको, हम आपको इस डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड करेंगे ठेकेदार का, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो बिजली का जो भी काम किया गया, इसके विषय में एक अलग हमारे ठेकेदार हैं, हम उनसे भी आपको मतलब वीडियो में हो सके तो बात कराना चाहेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, एक अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए। तो जैसा भी दोस्तों आपका रिस्पांस है इस पर, जो भी सलाह सुझाव कुछ भी है, कंप्लेंट वगैरह जो भी आप बता सकते हैं इसमें, और अगर आपको कोई काम करवाना हो तो आप ठेकेदार को भी फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।